सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ये बात आपकी ख़िदमत में पेश की जाने वाली है और की जा रही है कि ईमान की नेमत अल्लाह ने जिन लोगों को अता की है और दामन रसालत अलैहि वसल्लम कुदरत ने जिनके हाथों में दिया है वो लोग बड़े ख़ुशनसीब हैं और कभी भी और कहीं भी वो घाटे में नहीं ये आजमाइश के अयाम हैं और मैं समझता हूँ कि अब तो काफ़ी आजमाइश बहुत सारे इलाकों में कम हो गई है और हालात भी धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं लेकिन जहनी दबाव जहनी टेंशन बेचैनी बेकरारी बीमारियाँ बहुत सारे इलाकों में भूख प्यास और मसाइल सब चीज़ें अब भी मौजूद है इसलिए आज की महफ़िल में इन चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पहले तो ये कि अल्लाह तबारक वाल अपने जिन बंदों से महब्बत और प्यार करता है अल्लाह आजमाइश और मुसीबतें उन्हीं पर डालता है इसलिए कभी मुसीबतों से घबराना भी नहीं चाहिए और मुसीबतें कभी मांगना भी नहीं चाहिए हज़रत सदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तुमा के पास किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत सैदना अबू जरगफ़ारी रदी अल्लाह त ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला से मैं मुसीबतें और आजमाइश मांगता हूँ इसलिए कि जो अजर मुसीबत और आजमाइशों पर दिया जाएगा वो किसी और इबादत पर नहीं दिया जाएगा तो हज़रत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह कहा था कि अल्लाह ज़र पर रहम फरमाएं हम कौन होते हैं मुसीबत मांगने वाले और राहत मांगने वाले हम तो अल्लाह के बंदे हैं हमारा मसलक और मौक़ इस मामले में ये है इमाम हसन पाक ने कहा था हमारा नज़रिया ये है कि हम ना अल्लाह से राहतें मांगते हैं ना मुसीबतें मांगते हैं हम तो बंदे हैं यार हमें जो दे दे उसी की खुशी पर उसी की रज़ा पर हम राजी रहते हैं इसलिए ना हम मुसीबतें मांगते हैं ना राहतें मांगते हैं तो अल्लाह तबारक वाली जिन लोगों से प्यार करता है उन पर मुसीबतें और आज़माइशों में उनको गिरफ़्तार करता है बल्कि हजरत सैदा शेख सादी शराजी रहमत लिखते हैं आप गुलशिता के अंदर उसका मफहम यह है कि एक मरतबा आप दरिया के किनारे तशरीफ़ फरमा थे और एक बुज़ुर्ग के पैर को चीते ने काट लिया था और ज़ख़्म बहुत शदीद था और बड़ी तकलीफ़ थी आपको और लोग आपके ज़ख़्म को देख कर आप पर रहम खा रहे थे रहम की बातें कर रहे थे लेकिन वो बुज़ुर्ग ने ये लोगों के इजहार हमदर्दी को देख कर के फरमाया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बल्कि ये तो मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिसमानी मर्ज़ में मुब्तला फरमाया अल्लाह ने मुझे गुनाह के मर्ज़ से तो महफूज़ फरमा लिया इसलिए कि गुनाह का मर्ज़ आखिरत की तबाही का ज़रिया है और जिस्मानी मर्ज़ आखिरत में नेमतें मिलने का ज़रिया बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक वो ताला जब किसी बंदे को विलायत के मकाम पर फाइज करना चाहता है या अपने कुर्ब की मंजिलेंता करना चाहता है मकामी अबरार पर उसे पहुंचाना चाहता है लेकिन उस बंदे की नेकियां और उसके आमाल ऐसे नहीं होते कि वो अबरार के मकाम पर पहुँचे अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर सके मकामी विलायत को पा सके तो उसकी इबादतें जब ऐसी नहीं होती उसके अमाल ऐसे नहीं होते तो अल्लाह ताला उसको बीमारियों में मुबला फरमा देता है और अल्लाह ताला फिर उसको सब्र की तौफीक अता कर देता है तो जो नवाफिल और दीगर इबादात की वजह से उसको मरतबे नहीं मिलते वो अल्लाह बीमारी पे सब्र करने की वजह से उसको मकामात और मरतबे अता फ़रमा देता है बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आया कि जो बंदा पूरी रात बुखार में मबतला रहा और जब सुबह होती है तो वह गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी वह अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ एक एक रात का बुखार लेकिन उसमें शर्त यही है वो शिकवा ना करे वो शिकायत ना करे वो बुखार को ना कोसे वो अल्लाह तबारक वह ताला की बारगाह के अंदर बेअदबी के कलेमात ना कहे यानी कि वो सोचे कि बस अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने जो भी दिया तेरा करम है तेरा शुक्र है तो एक रात का बुखार उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है अब यहाँ पर उन लोगों के लिए कि भाई जो कई कई महीने बीमार रहते हैं कई कई दिन बीमार रहते हैं बिस्तर पर पड़े रहते हैं लोग उनसे नफ़रतें करने लगते हैं लोग उनके बारे में कमेंट पास करने लगते हैं लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या ख्यालात करने लगते हैं ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला तो उनके दर्जात बढ़ा रहा है उनको अपना क़ुरब अता कर रहा है बल्कि अगर कोई बंदा बीमार हो और उस बीमारी में कोई उससे पूछे कैसे हो कहे अलहदुल्ला तो अल्लाह ताली फ़रिश्तों से फ़रमाता है मेरे फरिश्तों गवाह रहना अगर इसी मर्ज़ में इसको मौत दे दिया तो बेहिसाब जन्नत अता करूँगा और अगर ये इसको ज़िंदगी दिया तो वो ख़ून और वो गोश्त अता करूँगा इस वक्त इसके पास मौजूद है मैं इससे बेहतर इसको अता करूँगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों कभी भी हमें आजमाइश वाली ज़िंदगी से घबराना नहीं चाहिए इसलिए कि हमारे हाथों में दामन महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं मल्ला के बंदे हैं ईमान वाले हैं और ईमान वाले को अगर कांटा चुपता है तो भी अल्लाह उसकी मगफिलत फरमाता है उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है और जो बंदा मुसीबतों पर सब्र करता है उसका सिला क्या है उसका अजर क्या है आइए ज़रा आप उसको देखें कि किदीस पाक में ये भी आता है मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह कहते हैं जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तो जो गुना लिखने वाला फरिश्ता है उसको हुक्म होता है कि बीमारी हमने दी है लिहाजा बीमारी में अब यह जो गुना करेगा उसके गुना न लिखे जाएँ बल्कि इसकी नकियाँ लिखी जाए और इसके गुनाह लिखने पर अब रोक लग जाती है चुनानचे जो बंदा मर्ज़ में मुबला होता है तो अल्लाह तबारक वाली उसके गुनाह लिखने से रोक देता है आकए करीम सल्लाम के दीवानो हजरत सैदुलतफ़ा जुनेद बगदादी रदी अल्लाह तरमते हैं अगर किसी पर चालीस दिन ऐसे गुजर जाए यानी चालीस रातें ऐसे गुजर जाएँ कि वह बीमार भी ना पड़े पैसों की किल्लत भी उसको महसूस न हो और यानी उस पर कोई मुसीबत ना आए चालीस रातों में कोई मुसीबत ना आए तो ऐसे बंदे को अपने ईमान के मुतल जायज़ा लेना चाहिए अलमलफूज़ में इमाम आलसनत रिदवान का फरमान भी मौजूद है कि चालीस दिनों में इल्लत, इल्लत, किल्लत और जिल्लत, ये तीनों में से कोई एक ना एक मुसीबत आनी चाहिए इल्लत यानी बीमार पड़ना किल्लत यानी तंगदस्ती और जिल्लत यानी किसी का आपके ख़िलाफ़ बोलना या आपको जलील करना या आपको कि मुखालफत करना वग़ैरह वग़ैरह अगर चालीस दिनों के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो आपको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं ईमान का तोता दिल से उड़ तो नहीं गया है क्योंकि जो मोमिन होगा वो या तो चालीस रातों में शिकार होगा या क़्लत का शिकार होगा या ज़िलत का, का शिकार होगा ये हमारे बुज़ुर्गों का फ़रमान है और अगर चालीस दिनों के अंदर किसी को ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा बंदा उसके लिए खैर नहीं है अल्लाह की अल्लाह के यहाँ उसके लिए खैर नहीं है तो अब आप बताएँ कि हम तो सारी ज़िंदगी जो है वो ऐश ही में रहना चाहते हैं खुशियों ही में रहना चाहते हैं और हम सारी ज़िंदगी में हम समझते हैं कि हमें कांटा भी ना चुभे हमें कोई तकलीफ़ भी ना हो हमें कोई परेशानी भी ना हो तो मेरे आकश सल्ला वसल्लम के दीवानों अपने मजहब की तालीम ये है